अगर आप अंडर 10,000 की रेंज में अगर एक बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं तो आज आपके लिए लेके आया हूँ अंडर 10,000 की रेंज में एक बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी आपको आफ्टर सेल सर्विस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको दमदार मिलेगी और मोटर जो पावर होगी वॉशिंग मशीन की वो भी काफ़ी हैवी होगी। तो फ्रेंड हेलो, मेरा नाम है महपाल मेहरा, फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडर 10,000 की रेंज में वर्लपूल ब्रांड की जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। जो वर्लपूल कंपनी की जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ जाती है 10,000 की रेंज में, इस वॉशिंग मशीन में आपको कौन कौन से फीचर आपको मिलने वाले हैं, साथ ही बात करेंगे लास्ट में इस वॉशिंग मशीन के प्राइस के बारे में, इस वॉशिंग मशीन का अभी करंट प्राइस कितना आ जाता है। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक वर्लपूल ब्रांड की एक लेटेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए परचेज करने की सोच रहे हैं तो जितने भी सारे इनके लेटेस्ट मॉडल होंगे उन सभी का परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी एक वर्लपूल ब्रांड की एक लेटेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कन्फ्यूज है कि कौन सी बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए, तो 5 बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के लिए एक बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है ले सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को जल्द से स्टार्ट एक फर्स्ट लुक के साथ। तो फ्रेंड अगर आपका बजट कम है और आप कम बजट में एक बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं तो आप वर्लपूल ब्रांड की इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को भी जो है परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली 2 से 4 मेंबर की है तो 2 से 4 मेंबर के हिसाब से इस वॉशिंग मशीन के वॉश टब में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। इस वॉशिंग मशीन की जो सीरीज आ जाती है वो आ जाती है मैक्स वॉश के नाम से, मैक्स वॉश जो है वर्लपूल कंपनी की सीरीज आ जाती है। इस वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर आ जाता है 30323 7 kg के अंदर में यह वॉशिंग मशीन आ जाती है। यह वॉशिंग मशीन आपको 5-स्टार रेटिंग के अंदर आपको मिल जाती है, जो बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती है। इस वॉशिंग मशीन का कलर आ जाता है व्हाइट और मैरून, इस वॉशिंग मशीन का कलर दे रखा है, काफी प्यारा कलर दे रखा है इस वॉशिंग मशीन का। रस्ट प्रूफ बॉडी आ जाती है इस वॉशिंग मशीन की, कोई भी जंग वगैरह लगने का चांस बिल्कुल भी नहीं है इसकी बॉडी में। अब बात की जाए इस वॉशिंग मशीन में आपको मिलने वाला अंदर वॉश टब के बारे में, तो फ्रेंड इस वॉशिंग मशीन की यह लीड आ जाती है और इस वॉशिंग मशीन में यह अंदर आपको वॉश टब का स्पेस मिलने वाला है। वॉश टब में आपको वर्लपूल कंपनी की तरफ से आपको कुछ एसेसरीज मिल जाती है। एक आ जाता है इनलैंड पाइप, जिस समय आप इस वॉशिंग मशीन में कपड़ा वगैरह वॉश करने का काम करते हैं उस समय यह इनलैंड पाइप को जो आपको मशीन में कनेक्ट करना होता है, और दूसरे सिरे को आपको अपने नल पर कनेक्ट करना होता है। और एक आ जाते हैं स्पिन कैप, जिस समय आप इस ड्रायर में कपड़ा खंगालने या कपड़ा सुखाने का काम करते हैं उस समय आपको स्पिन कैप कपड़े के ऊपर से लगानी होती है, ताकि कोई भी कपड़ा ऊपर ना आए और कोई भी कपड़ा जो है साइड वगैरह में ना फंसे। और एक मिल जाती है आपको वर्लपूल कंपनी की मैनुअल बुकलेट, आपको इस वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करना है तो इसमें कंपनी की मैनुअल गाइडलाइंस लिखी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में यह अंदर आपको वॉश टब का स्पेस मिलने वाला है। अगर आपकी फैमिली 2 से 4 मेंबर की है तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। इस वॉशिंग मशीन में जो पल्सेटर आ जाता है, इस पल्सेटर की वजह से जो कपड़े की जो स्क्रबिंग होती है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होती है, जिस वजह से आपको इस वॉशिंग मशीन में कपड़े की जो वॉशिंग क्वालिटी है बहुत ही शानदार मिल जाती है। साइड में आपको एक फिल्टर मिल जाता है, कपड़े पर जो भी लिंट वगैरह होता है उसको टोटली कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप इस फिल्टर को निकाल के आप दोबारा से जो है साफ़ सफाई वगैरह भी कर सकते हैं। और इस वॉशिंग मशीन में आपको एक वाटर लेवल भी मिल जाता है, यानी कि आप इस वॉश टब में मतलब पानी कितना भरना चाहते हैं तो आप यहां से जो है वाटर लेवल भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस वॉशिंग मशीन में यह मिल जाता है आपको ड्रायर, अगर आपको इस ड्रायर में कपड़े खंगालने हैं या कपड़े सुखाने हैं तो आप इस ड्रायर में जो है कपड़े खंगालने और कपड़े सुखाने का जो है दोनों ही काम कर सकते हैं। अब बात की जाए इस वॉशिंग मशीन के एक बार कंट्रोल पैनल के बारे में, तो फ्रेंड इस वॉशिंग मशीन का यह कंट्रोल पैनल आ जाता है, यहाँ पर मिल जाता है आपको वाटर इनलैंड के लिए,
और एक नॉब मिल जाती है आपको जो है वाटर सिलेक्टर के लिए, यानी कि अगर आप इस बटन को अगर वॉश पकड़ते हैं तो जो नल का पानी है वो आपके वॉश टब में आना चालू हो जाता है, और अगर आप इस बटन को अगर स्पिन पकड़ते हैं तो नल का पानी आपके स्पिन टब में आना चालू हो जाता है। अगर आपको कपड़े खंगालने हैं तो आप इस स्पिन टब में कपड़े खंगालने का भी जो है काम कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में आपको 15 मिनट की जो है वॉश टाइमिंग मिल जाती है, और 35 मिनट की जो है आपको इस वॉशिंग मशीन में जो है सॉकिंग टाइमिंग आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आपको कपड़े को प्री वॉश करना है तो आप उस दौरान जो है इस वॉशिंग मशीन में जो है सॉकिंग टाइमिंग लगा सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में जो आपको 3 वॉश प्रोग्राम मिल जाते हैं, यानी कि अगर आपको नाजुक कपड़े धोने हैं जैसे साड़ी रुमाल वगैरह तो आप जेंटल का प्रोग्राम लगा सकते हैं, और आपको डेली यूज वाले कपड़े वॉश करने हैं तो आप नॉर्मल का प्रोग्राम लगा सकते हैं, और अगर आपको बेडशीट चादर कम्बल वगैरह वॉश करने हैं तो आप स्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम लगा सकते हैं। आप जो भी प्रोग्राम लगाते हैं इस वॉशिंग मशीन में आपको उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन जो है चालू हो जाती है। एक बटन आ जाता है ड्रेन का, आपके कपड़े इस वॉश टब में वॉश होने के बाद आप टोटली गंदे पानी को जो है इस बटन से जो है ड्रेन कर सकते हैं। और लास्ट बटन आ जाता है स्पिन का, जैसे कि अगर आपको इस ड्रायर में कपड़े खंगालने हैं या कपड़े सुखाने हैं तो आप उस दौरान जो है इस वॉशिंग मशीन में जो है स्पिन टाइमिंग लगा सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में जो है आपको 5 मिनट की जो है मैक्सिमम स्पिन टाइमिंग मिल जाती है। मैक्स वॉश इस वॉशिंग मशीन की सीरीज आ जाती है, यहाँ पर आ जाता है वर्लपूल कंपनी का लोगो। अब बात की जाए इस वॉशिंग मशीन के एक बार मोटर पावर के बारे में, तो फ्रेंड 7 kg के अंदर में जो ये वॉशिंग मशीन आ जाती है वर्लपूल कंपनी की। इस वॉशिंग मशीन में अभी आपको 450 वॉट की जो है पावरफुल वॉश मोटर मिलने वाली है, 170 वॉट की जो है पावरफुल आपको जो है स्पिन मोटर मिलने वाली है। बात की जाए वारंटी की, तो 5 ईयर की वारंटी आपको इस वॉशिंग मशीन की जो है वॉश मोटर की मिलने वाली है, 4 ईयर की वारंटी आपको इस वॉशिंग मशीन की जो है स्पिन मोटर की मिलने वाली है, 4 ईयर की वारंटी आपको इस वॉशिंग मशीन की जो है कंप्रिहेंसिव मिलने वाली है। और यह वॉशिंग मशीन जो है नीचे से जो है पूरी तरीके से जो है कवर्ड आ जाती है ताकि चूहा वगैरह अंदर ना जाए। यह वॉशिंग मशीन जो है नीचे से पूरी तरीके से कवर की गई है ताकि चूहा किसी भी वायर को ना काटे। और इस वॉशिंग मशीन में आपको 2 व्हील्स मिल जाते हैं, अगर आपको इस वॉशिंग मशीन को इधर उधर मूव करना है तो आप इस वॉशिंग मशीन को इधर उधर आराम से मूव करने का काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात की जाए इस वॉशिंग मशीन के एक बार प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड 7 kg के अंदर में जो वर्लपूल कंपनी की यह वॉशिंग मशीन आ जाती है, इस वॉशिंग मशीन का जो भी करंट प्राइस आ जाता है वो आ जाता है 9,800 रुपये पर जो प्राइस है ये कभी भी मार्केट में चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी दोस्त लोग एक वर्लपूल ब्रांड की एक लेटेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी वजह से एक बेस्ट वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए परचेज कर पाए। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को यहीं पर क्लोज, और आपको मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के यहाँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।